This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. So for breakfast today is boiled egg chaat, maybe, I don't know, boiled eggs, full of protein and very very tasty. Hello people, so on my plate today there's chicken curry, there's rice, jeera rice. And there are some healthy greens. So, usme hai cucumber, there's sprouts, there's carrots. So, this is my lunch. Ta-da! Hello sir, hello sir, what's in dinner today? Tonight. Well, there's poha, there's chana jor, there's lassan ki chutney and there's pyaz tamatar mein nimbu. Hai na Kichu? Kichu, aap khaoge? Aap khaoge?
Hi people. So we are almost about to complete a month. और कैसा चल रहा है आपका जर्नी ज़रूर कमेंट्स में बताएं. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और ऑलमोस्ट ये मेरा लाइफस्टाइल बन ही चुका है. अगर मैं रात को जल्दी खा लेती हूँ खाना तो मैं बहुत आराम से 16 घंटे निकाल के फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करती हूँ और कुछ भी अब मुझे वो क्रेविंग्स और ये सब नहीं हो रही है. तो आप प्लीज़ आप बताएं कि आपके साथ कैसा हो रहा है आजकल और क्या आपकी जर्नी अच्छी चल रही है या नहीं. तो आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एड्रेस करेंगे. सबसे पहला है बाय इशिका पांडे. वो पूछ रही है, वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू, प्लीज़ रिप्लाई. आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग जस्ट लाइक यू, बट मैं डिनर लेती हूँ बिटवीन 6 to 7 PM और उसके बाद मैं टर्मरिक मिल्क लेती हूँ टिल 9 PM. तो मेरा जो डिनर है विच विल बी काउंटेड एज माई डिनर, 6 to 7 वाला या फिर मिल्क. तो इशिका, अगर आप टर्मरिक मिल्क में डाल के लेते हैं तो मिल्क इज़ कैलरी लेडन, तो वो आपका लास्ट डिनर कंसिडर होगा. अगर आप टर्मरिक को पानी में डाल के लेते हैं तो इट्स अ ज़ीरो कैलरी ड्रिंक, वो आप ले सकते हैं. तो 6 to 7 के बीच में आपने जो खाना खाया है दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज योर लास्ट मील. आपकी फास्टिंग विंडो शुरू होगी आपके टर्मरिक मिल्क के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय अंकिता शर्मा. शी इज़ आस्किंग, मैम आई हैव अ डाउट इन माई माइंड, प्लीज़ क्लियर इट. ऑल्दो आई एम ऑल्सो इन इंटरमिटेंट फास्टिंग बट स्टिल द क्वेश्चन इज डिस्टर्बिंग मी अ लॉट. वी ऑलवेज हियर दैट वी शुड हैव आर ब्रेकफास्ट विद इन 2 hours ऑफ वेकिंग अप, अदरवाइज इट लोअर्स अ मेटाबॉलिज्म. ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हियर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ हेल्दी वे टू लूज वेट. बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्ररी, प्लीज मेक दिस पॉइंट क्लियर. तो अंकिता, इफ़ यू वेक अप एट 8 o'clock और आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है 10 बजे तक, तो आप पिछली रात को 6 o'clock अपना मील ख़त्म करें ताकि वो 16 hour का गैप भी आप फॉलो कर सके, और आप 8 बजे उठ रहे हो तो आप 10 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट भी कर सके. एंड येस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी हेल्दी वे टू लूज वेट, क्योंकि ये वेट जो जाता है वो फिर वापस नहीं आता है अनलेस यू रियली यू नो हॉगिंग ऑन फूड या फिर कुछ बहुत अनहेल्दी आप खा रहे हो. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. खाना पीना तो सो जाना. क्या करना? खाना पीना तो सो जाना. खाना पीना तो सो जाना है ना. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूले और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए हर वीडियो का.